हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बॉटम नेविगेशन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो बॉटम नेविगेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मैं जल्दी से न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करते तो हमें कोई भी एक्टिविटी चूज करनी होती है, तो मैं एम्प्टी एक्टिविटी पर क्लिक कर देता हूँ एंड एप्लीकेशन का नेम मैं एंटर कर देता हूँ, बॉटम नेविगेशन। एंड इसके बाद आप पैकेज नेम भी चेंज कर सकते हो या फिर सेव लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लैंग्वेज जावा रख देता हूँ एंड API 20 रख देता हूँ एंड फिनिश बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडर बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ग्रेडर बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ग्रेडर सिंक फिनिश। ओके, तो अभी हम इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मेन एक्टिविटी में जाना होगा। तो मैं रिसोर्स फाइल को ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो लेआउट दिखाई दे रहा है इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड एक्टिविटी मेन डॉट एग्जाम्पल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड में, स्प्लिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद जो कंस्टिट्यूएंट लेआउट है इसको हम चेंज करेंगे रिलेटिव लेआउट में। तो मैं जल्दी से इसको रिमूव कर देता हूँ, कंस्टिट्यूएंट लेआउट को, एंड रिलेटिव लेआउट में हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, एंड इसके हम अभी बॉटम नेविगेशन को भी सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू को हम रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से हम ले लेंगे बॉटम नेविगेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉटम नेविगेशन आपको शो हो रहा है हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसकी वाइट हम मैच पेरेंट रख देते हैं एंड इसकी हाइट ट्रैप कंटेंट रखेंगे। इसको आईडी हम डिफाइन कर देंगे, सबसे पहले id@id बॉटम नेविगेशन। हम एंटर कर देंगे यहाँ से। ये जो बॉटम नेविगेशन है इसको हमें नीचे में लेके जाना होगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, लेआउट अराउंड पैरेंट बॉटम लिख देंगे। ओके, अलाइन पैरेंट बॉटम, इसको हम ट्रू कर देंगे। जैसे हम इसको ट्रू करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नेविगेशन व्यू है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम इसको मेनू प्रोवाइड कर देंगे, बट अभी तक हमने कोई भी मेनू फाइल क्रिएट नहीं की। तो सबसे पहले हम ड्रावल फाइल में चले जाएंगे, हम रिसोर्स फाइल में चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे एंड एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से वैल्यूज में जाएंगे एंड ये जो सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेनूज, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड ओके बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेनू बार ओपन हो चुका है। अगेन हम इसमें राइट क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे न्यू में जाएंगे एंड मेनू रिसोर्स फाइल पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे जो फाइल नेम है यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे, न्यू मेनू मीन्स नेविगेशन मेनू एंड मैं अभी ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो नेविगेशन मेनू के नेम से एक मेनू फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं स्प्लिट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अभी हम एक एक आइटम क्रिएट करेंगे जो हमें बॉटम नेविगेशन में चाहिए। तो मैं सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम आईडी डिफाइन कर देंगे, @id एक्शन नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइटम शो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे आईडी दे दी है एंड इसके बाद हम चूज करेंगे एनेबल। इसको हम ट्रू प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि कोई भी क्लिक करेगा तो एनेबल होना चाहिए एंड हम आइकन सिलेक्ट कर देंगे। बट यहाँ तक अभी तक हमने यहाँ पे ड्रॉबल फाइल में आइकन क्रिएट नहीं की, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के लिए ड्रॉबल फाइल से आइकन क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको ड्रॉबल में जाना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा एंड जो न्यू पे जाने के बाद वेक्टर असेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो मैं वेक्टर असेट पे क्लिक कर देता हूँ एंड क्लिप आर्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको सर्च करना होगा नोटिफिकेशन, तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन को सर्च करेंगे एंड यहाँ से कोई भी आप आइकन चूज कर सकते हो एंड मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसका हम नेम भी डिफाइन कर देंगे, नोटिफिकेशन। हम 3 मेन्यू यूज करने वाले हैं, एक नोटिफिकेशन, एक होम एंड एक अबाउट का पेज। तो हम जल्दी से सभी के लिए आइकन क्रिएट कर देते हैं। हमने अभी नोटिफिकेशन के लिए तो कर दिया है, अभी हम होम के लिए कर देंगे। तो सेम आपको ड्रॉबल न्यू वेक्टर असेट में जाना होगा एंड यहाँ पे आपको सर्च करना होगा होम एंड मैं इसको नेम डिफाइन कर देता हूँ होम के नेम से। आपको नेक्स्ट पे टैप करना है एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको सेम प्रोसेस करनी है, न्यू वेक्टर असेट
एंड अभी हम क्रिएट करेंगे अबाउट के नेम से, बट अबाउट में कोई भी ऐसा आइकन नहीं है, तो कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे अबाउट के लिए, इसको नेम डिफाइन दे देंगे अबाउट एंड ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट ओके। तो आप देख सकते हो ड्राइबल फाइल में आप जैसे जाओगे अबाउट होम एंड नोटिफिकेशन के लिए हमने आइकन क्रिएट कर दिया। तो हम सबसे पहले यहाँ से आइकन चूज कर देते हैं आइकन में नोटिफिकेशन, क्योंकि हमें सबसे पहले नोटिफिकेशन शो करना है, इसलिए हम एट द रेट ड्राइबल नोटिफिकेशन को हमने ले लिया एंड इसको हम टाइटल भी दे देंगे नोटिफिकेशन के नेम से। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नोटिफिकेशन एंड हम यहाँ से एंटर कर देंगे शो एज एक्शन। आपको ध्यान में रखना है इफ रूम यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओके, इसलिए आपको शो एज एक्शन को ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा नोटिफिकेशन आइकन सेट हो चुका है। तो अभी हम सेम होम एंड अबाउट के लिए करेंगे, तो आपको बस इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड नीचे में इसको पेस्ट करना है कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो जल्दी से मैं इसको आईडी चेंज कर देता हूँ। हम एक्शन होम कर देंगे इसकी आईडी एंड यहाँ से हम आइकन भी चेंज कर देंगे होम के नेम से। तो आप देखोगे कि यहाँ पे होम का आइकन आ जाएगा एंड इसका टाइटल भी हम चेंज कर देंगे होम के नेम से। तो आप देख सकते हो हमने होम के लिए कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी हम अबाउट के नेम से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसलिए मैं इसकी आईडी डिफाइन कर देता हूँ एक्शन अबाउट एंड यहाँ से मैं आइकन भी चूज कर देता हूँ अबाउट एंड हम टाइटल भी चेंज करेंगे अबाउट के नेम से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले अभी जावा फाइल में जाना होगा, बट जावा फाइल में जाने से पहले हमें इस मेनू को एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन में सेट करना होगा। तो मैं जल्दी से सेट कर देता हूँ यहाँ पे एट द रेट मेन्यू, न्यू मेनू का आपको सिलेक्ट कर देना। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा बॉटम नेविगेशन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज होने के बाद अभी हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना होगा, क्योंकि हमारा एग्जामिन का वर्क हो चुका है। हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे नेविगेशन बॉटम व्यू को, तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा बॉटम नेविगेशन एंड इसको नेम दे देंगे हम बॉटम नेविगेशन। इसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे बॉटम नेविगेशन व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट। हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमने नेविगेशन व्यू को कौन सी आईडी प्रोवाइड की थी, तो हमने बॉटम नेविगेशन से प्रोवाइड की थी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे बॉटम नेविगेशन एंड हम इसको सेमी कॉलम से क्लोज कर देंगे। अभी हम सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज करेंगे बॉटम नेविगेशन डॉट सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर ओके एंड यहाँ पे हम न्यू टैप कर देंगे न्यू ओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम जो है वो खुद ब खुद हमारी मेथड इम्प्लीमेंट हो जाएगी जैसे हम एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये जो रिटर्न फॉल्स है इसको आपको पास कर देना है रिटर्न ट्रू। इसके बाद हम अभी कोड को एंटर करते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है स्विच, तो मैं स्विच प्रोवाइड कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो मेनू आइटम है इसका हमने नेम डिफाइन किए थे आइटम, इसलिए हम आइटम प्रोवाइड कर देंगे डॉट गेट। जो हमारी मेन्यू फाइल है उसको डिटेक्ट करना है आईडी से, इसलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गेट आइटम आईडी ओके एंड इसके बाद अभी हम ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। आपको यहाँ पे एक केस लगानी है, मीन्स केस किसके लिए लगाएंगे, जैसे कोई यूजर नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है तो उसके लिए केस लगानी होगी, जैसे कोई यूजर होम पे क्लिक करता है तो उसके लिए एक केस लगानी होगी एंड कोई यूजर अबाउट पे क्लिक करता है तो उसके लिए केस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से तीन केस इंप्लीमेंट कर देता हूँ, केस आर डॉट आई डी डॉट एक्शन नोटिफिकेशन ओके एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ब्रेक से। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्रेक से इसको क्लोज कर दिया। सेम आपको करना होगा होम के लिए एंड अबाउट के लिए, तो मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ
हम इसको चेंज करेंगे होम के लिए एंड अबाउट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि हम आईडी कहाँ से ले रहे हैं। ये जो न्यू मेनू है यहाँ पे हमने आईडी डिफाइन किए थे, एक्शन नोटिफिकेशन, एक्शन होम, एक्शन अबाउट, तो वहां से हमने आईडी इसको ट्रांसफर कर दिया, एक्शन नोटिफिकेशन, एक्शन होम एंड एक्शन अबाउट। अभी हमें क्या करना होगा, कोड पास करना होगा। अगर आपको फ्रेगमेंट लोड करना है तो आप फ्रेगमेंट लोड कर सकते हो, अगर आपको टोस्ट शो करना है तो आप टोस्ट शो कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो आप इंटेंट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी मैसेज शो करता हूँ टोस्ट के हेल्प से। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ टोस्ट एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड इस टेक्स्ट में हम लिख देंगे यू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन। सेम आपको नीचे में भी टोस्ट क्रिएट कर देना है, टोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है यू क्लिक ऑन होम। सेम आपको नीचे भी टोस्ट पास कर देना है अबाउट के लिए, तो मैं टोस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, कैपिटल टी लिखना है आपको। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा एंड इसमें मैसेज प्रोवाइड करना होगा। तो मैं मैसेज में लिख देता हूँ यू क्लिक ऑन अबाउट। तो आप देख सकते हो अभी हमने सभी के लिए केस इंप्लीमेंट कर दिया एंड टोस्ट मैसेज में इंप्लीमेंट कर दिया। अभी हम अपने डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ एंड देखते रन करके कि हमारा बॉटम नेविगेशन वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट इससे पहले हमें एक चेंज करना होगा, वैल्यूज में जाना होगा एंड थीम को ओपन कर देना है एंड ये जो डार्क एक्शन बार है इसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा नो एक्शन बार में। ओके, इससे हमारा क्या रहेगा, ये जो टूल बार होता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो टूल बार शो होता है वो टूल बार शो नहीं होगा। अगेन हम जाएंगे थीम डॉट एग्जाम्पल में एंड यहाँ पे जो कलर है इसको हम चेंज कर देंगे, जो कलर प्राइमरी कलर होता है उसी से ही हमारा बॉटम नेविगेशन इम्प्लीमेंट होता है, मीन्स उसी कलर से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ये कलर को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि कोई यूज़र अगर सिलेक्ट करता है तो ये थोड़ा रेडिश में आ जाएगा जैसे हमने थीम डॉट एग्जाम्पल में सिलेक्ट किया। ओके, तो अभी हम सबसे पहले डिवाइस को कनेक्ट करते हैं एंड रन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ चुका है ग्रेडल बिल्ड फिनिश इन 54 सेकंड एंड यहाँ पे इंस्टॉलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ चुका है लॉन्च सक्सेस एंड हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप अभी लॉन्च हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा होम पेज ओपन हो चुका है जिसमें जो हमने इंप्लीमेंट किए थे बॉटम में वही शो हो रहा है, नोटिफिकेशन, होम एंड अबाउट। तो मैं न्यू मेनू डॉट एग्जाम्पल को सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, हमने जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था वही अभी शो हो रहा है, ठीक है। एंड जैसे हम होम पे क्लिक करते तो यहाँ पे शो हो जाएगा यू क्लिक ऑन होम, क्योंकि हमने केस में इंप्लीमेंट किया था यू क्लिक ऑन होम। जैसे कोई अबाउट पे क्लिक करता है तो यू क्लिक ऑन अबाउट एंड यहाँ पे सेम यू क्लिक ऑन नोटिफिकेशन। तो इसमें आप फ्रैगमेंट भी शो कर सकते हो, एक्टिविटी भी शो कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको समझ में आओगा कि बॉटम नेविगेशन को कैसे क्रिएट करते हैं एंड इसको कलर का अगर चेंज करना है तो आपको ध्यान में रखना है थीम डॉट एग्जाम्पल में आपको इसको चेंज कर देना है। तो अभी आप इजीली बॉटम नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।